गाइस, इस तरह का मैट्रिक्स इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कैमरे के सामने खड़े होकर एक्टिंग कर कुछ इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट एंगल में आपको शूटिंग कर लेना है। पहले आप देखते जाओ किस तरह के मैं शूटिंग किया हूँ, तो आपको भी इस तरह शूटिंग करके आपको कैपकट एप्लीकेशन पे जाना है और एक बैकग्राउंड फोटो डाउनलोड करके इम्पोर्ट करना है और एक आपका जो वीडियो है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो मैं देखो दोनों को एक साथ इम्पोर्ट कर लिया और मैंने वीडियो को एक साथ ही रिकॉर्ड किया हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ से नेक्स्ट पोजिशन स्टार्ट हुआ पे मैं कट लगाऊंगा। तो आप देखते जाओ, मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा डिफरेंट पोजीशन है वहां पे कट लगाना है। वीडियो एकदम एंड तक देखते रहो, वरना इस तरह का क्रिएटिव वीडियो आप क्रिएट नहीं कर। तो यहाँ पे देखो मेरा डिफरेंट एंगल स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं इस पहले पार्ट को स्प्लिट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके ओवरले करके इस पार्ट को इस वीडियो के नीचे, मतलब फर्स्ट लेयर के नीचे ले आया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने नीचे ले आया। अभी जहां से मेरा हटाना है आहिस्ता आहिस्ता व्हाइट लाइन को, जहां से मेरा नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिफरेंट पोजीशन, वहां पे मुझे कट लगाना है फिर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको कट करके मैं उस लेयर के नीचे ले आया। तो जहां से मेरा नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट होगा वहां पे कट लगा के उस लेयर को उस ऊपर वाला लेयर के नीचे ले आना है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे भी मेरा नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट हुआ, इसलिए मैं इसको कट करके ऊपर वाला लेयर के नीचे ले आया। अभी फिर से मुझे चेक करना है सेम, मतलब कहाँ से मेरा डिफरेंट स्टार्ट पोजीशन स्टार्ट हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में मैंने जैसे शूट किया हो, इसलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल में डिफरेंट पोजीशन पे सिंपली कट लगाना है। तो यहाँ पे भी सिंपली मुझे देखो कट लगा के मैंने इसको ले आया नीचे। उसके बाद फिर से आहिस्ता आहिस्ता मुझे यहाँ से चेक करना है का पे मेरा डिफरेंट पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे कट लगा। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, मतलब छोटा कर दे रहा हूँ, डीआरडी आप डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी देखो मैं यहाँ आहिस्ता से फिर से मैं यहाँ पे एक कट लगाया, मतलब यहाँ से मेरा नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट हो रहा है। व्हाइट लाइन को सिंपली आपको चेक करके करके हटाना है, मतलब कहाँ से आपका बॉडी का मूवमेंट नेक्स्ट पोजीशन के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब तक जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से छोटा करके आपको कट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो गाइस। वीडियो एंड तक देखते रहो, जहां चाहा आपको नेक्स्ट पोजीशन स्टार्ट होने को देखने को मिलेगा वहां पे आपको कट लगाना है। अभी ऊपर वाला पार्ट को देखो मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मैं ओवरले पे गया, ओवरले पे जाके उस ऊपर वाला लेयर का एकदम सारे लेयर के नीचे ले आया। ठीक है, तो अभी देखो आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे व्हाइट लाइन को हटाना है। व्हाइट लाइन को हटाते हटाते आप देखते जाओ, जहाँ से मेरा देखो नीचे ले वाला लेयर पे जहाँ पे मेरा हेड झुक रहा है ना नीचे, जहाँ से मैं पहले मैं टाइमलाइन को स्ट्रेच कर दिया ताकि काट लगाने में आसान हो। तो देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, हटाते हटाते जहाँ से देखो मेरा हेड झुक रहा है, मतलब नीचे झुक रहा है, वहाँ पे मुझे स्प्लिट कर देना। उसके बाद व्हाइट लाइन को फिर से हटाना है। हटा के मेरा जो हेड है वो जहाँ से उठ रहा है ऊपर वहाँ पे एक कट लगाना है। कट मैंने लगा दिया। अभी मिडिल वाले जो लेयर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली कटआउट पे जाके आपको रिमूव बैकग्राउंड पे जाना है, मतलब कैपकट जो एप्लीकेशन है इसमें एक क्लिक में ही आपका वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, बहुत ही आसान है। तो वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं टाइमलाइन को थोड़ा मतलब जूम आउट कर ले रहा हूँ और जो मिडिल वाला जो कटआउट पार्ट है उस लेयर के समान ऊपर वाला ऊपर का सारे लेयर को उस मिडिल वाले लेयर के समान मैं करते जा रहा हूँ, आप देखते जाओ देख पा रहा हूँ। और जो ऊपर वाला का जो बैकग्राउंड फोटो उसको मैंने थोड़ा स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया, मतलब थोड़ा जूम इन कर दिया। इसके बाद गाइज आपको सारे लेयर को पकड़ के ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाके डार्केन सेलेक्ट करके उसका साइज 80 रख देना है, मतलब इस आहिस्ता आहिस्ता सारे लेयर को वीडियो का उसको जो पोजीशन वाला लेयर है सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डार्केन मोड कर देना है। ब्लेंडिंग मोड पे जाके डार्केन सेलेक्ट कर देना। तो मैं थोड़ा इस पार्ट को फर्स्ट कर दिया। ठीक है, तभी मेरा लगभग काम हो गया है। तो अभी क्या करना है आप देखते जाओ, बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी वीडियो पूरा खत्म नहीं हुआ है, आप वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे देखो मैं जैसे प्ले कर दिया हूँ वीडियो, तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा एक मतलब इफेक्ट आपको वीडियो पे दिख रहा है। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर वाला का जो लेयर है उसमें आपको एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छोटा करके कट कर देना है, या आप डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ से कट कर दिया छोटा करके सारे लेयर को एक समान करने के लिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट कर दिया। अभी इस वीडियो को पहले मुझे एक्सपोर्ट करना है,
एक्सपोर्ट करके फिर से कैपकट ओपन करके इंपोर्ट करना है उसी सेम वीडियो को। तो अभी देखो प्ले करके मैं व्हाइट लाइन को हटा रहा हूँ, जहां से ये वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक कट लगाना है, और ये वाला इफेक्ट जहां तक रहेगा वहां पे एक मुझे कट लगा देना है। उसके बाद जो मिडिल वाला पार्ट इसको सिलेक्ट करके ऐसे मोशन ब्लर पे जाना, मोशन ब्लर को फुल कर देना, ब्लेंड को फुल कर देना, और टाइमिंग को 6 सिलेक्ट करके फिर से आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना, आपका मैट्रिक्स इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का क्रिएटिव वीडियो एडिटिंग गाइस हमारे इस ट्यूटोरियल से आप क्रिएट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, एक भी जगह आपको लग रहा है समझ में नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल फेसबुक पेज पे कमेंट कर, हम लोग आपको फर्दर गाइड कर देंगे। तो इस तरह का क्रिएटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते हैं। हमें इस तरह क्रिएटिव ऑफ ट्यूटोरियल आज के लिए, धन्यवाद।